गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमने राउंडिंग नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है आपका नियरेस्ट 10, राउंडिंग नियरेस्ट 10। इसमें क्या होता है बेटा, देखो 1 to 4 जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा, और 5 to 9 जो होगा वो आपका हो जाएगा 10, ठीक है। कैसे होगा चलिए हम करते हैं। जैसे कि कोई नंबर है आपका 87, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है। सॉल्यूशन कैसे करना है देखो, 87 का हमको वैसे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है आपकी बुक में, तो ये दे रखा है आपको डायरेक्ट आंसर फिल करना है। पर कैसे करना है, अब ये 5 जो है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 होगा, तब तक ये हम क्या करेंगे इसमें 10 ऐड करते जाएंगे। 87 5 से बड़ा है, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे और 87 में 7 को 0 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 90। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। इसी तरह बी, अब 192 है, मैंने बताया 1 to 4 होगा तो 0 हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 अगर वंस में है, अगर नियरेस्ट टेंस निकाल रहे हैं तो, ठीक है, 1, 2, 3, 4 वंस में होगा तो 0 हो जाएगा बस, 190। और 5 और 5 से ऊपर होगा तो 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी बताते हैं सी, 1, 2, 9, 5। अब जैसे ये है, यहाँ पर 5 है, 5 = 5 के बराबर है, तो कुछ नहीं करना, वंस को 0 करना है पहले तो, और फिर इसमें 10 ऐड करना है, ऐसे 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, ये आपका आ जाएगा 1300। गॉट इट। ये मैं चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख देते ताकि आपको याद रहे, ये 5 = 5 क्योंकि नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं, तो केवल वंस प्लेस देखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 9 क्योंकि 5 बड़ा है ना, इसको 0 करेंगे और इसमें +10 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1300। चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लेना। डी, अब इसमें भी हम यही करेंगे, ये क्या है 5 से बड़ा है 8, तो हम पहले 8 को 0 करेंगे, 4, 8, 3, 0 और फिर इसमें 10 ऐड कर लेंगे, ऐसे 0, 4, 8, 4। और वैसे भी देखो यहाँ 38 आ रहा है, तो 40 के पास है ना ये, तो आप टेंस में ऐसे भी चेक कर सकते हो दो डिजिट को देख के। 95 आ रहा है तो ये 100 इसमें अपने आप ऐड हो जाएगा, ये आपका 38 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4840। इस तरह से भी आप देख सकते हो 3013। अब देखो ये 13 है, 15 से छोटा है 13, तो ये हो जाएगा आपका 3010। और आप इसमें सॉल्यूशन लिख सकते हो, चूंकि 3 < 5 देन क्या होगा, केवल वंस को 0 करना है, कुछ भी नहीं करना, 301 एज इट इज आ जाएगा आपका, और वंस जो है आपका 0 हो जाएगा। एफ, 7, 6, 3, 4 इसमें क्या करेंगे हम, अभी 34 है, 35 से छोटा है, तो वैसे तो इसका 30 हो जाना चाहिए, ठीक है। और आप सॉल्यूशन चाहो तो लिख लो, 4 < 5 देन कुछ नहीं करना, वंस को 0 करना है बस, 7, 6, 3 एज इट इज आ जाएगा और वंस हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 5 से छोटा है ना। 1, 2, 4 जब भी डिजिट आएगी तो 0 कर देंगे, और 5 या 5 से बड़ी आएगी तो क्या करेंगे, 0 करके और 10 ऐड कर देंगे वंस को, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 7, 6, 3, 0। इस तरह से आपको राउंडिंग नियरेस्ट 10 करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अब 100 में हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस चेक करेंगे और टेंस और वंस प्लेस को 0 करेंगे अगर 50 से छोटा है तो, और 50 से बड़ा है
तो हम वंस और टेंस को जीरो करके उसमें 100 ऐड, इसमें 10 ऐड कर रहे थे उसमें 100 ऐड करेंगे, देखिए कैसे। अब इसको हम क्या कर लेंगे 100, ठीक है। ए है आपका 8326, ठीक है। अब हम टेंस प्लेस चेक करेंगे पूरा, 26 आ रहा है, 50 से छोटा है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8300। कैसे आया देखो, अब हम टेंस प्लेस चेक कर लेंगे। मान लो अगर 5 से ही करना है आपको ये वाला, जब नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो टेंस वाला प्लेस चेक करना, ठीक है। वंस वाला नहीं करेंगे हम, वंस वाला टेंस में करते हैं। आप टेंस वाला करेंगे 100 निकालने के लिए, टेंस वाला, टेंस वाला प्लेस क्या है, 2 इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे टेंस, और उसमें हम क्या करते थे वंस को जीरो करते थे नियरेस्ट 10 में, अब नियरेस्ट 100 में हम टेंस और वंस को जीरो जीरो कर देंगे, 8300, बस ये हमारा आ गया। और मान लो ये 5 से बड़ा होता 2, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ 6789 होता, तो हम 00 करके इसमें 100 और ऐड कर देते। देखिए अभी आगे आएगा उसमें आप समझ लीजिएगा, इसमें भी क्या होगा, टेंस प्लेस चेक करो, 1 इज लेस देन 5 देन 7 3 टेंस 0 और वंस 0, आंसर आ जाएगा 7300। सी 749, इसमें भी हम वंस टेंस 100, टेंस वाला प्लेस चेक करेंगे, टेंस वाला प्लेस 4 है जो 5 से छोटा है, तो कुछ नहीं करना, 7 टेंस 0 और वंस 0, 700 आंसर आ जाएगा हमारा। एफ सॉरी डी 4 8 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, वंस टेंस 100 एंड 1000, 10 प्लेस चेक करेंगे, 3 इज लेस देन 5, देन कुछ नहीं करना, टेंस और वंस प्लेस को जीरो कर देना है। ई 3150, टेंस प्लेस को चेक करना है, 5 इज इक्वल टू 5, तो क्या करना है, बराबर आ गया 4 से, लेकिन बड़ा आ रहा है हमारे पास, तो क्या करेंगे, 3 1 टेंस प्लेस 0 वंस प्लेस 0 और प्लस इसमें 100 कर देंगे, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 निकालना है ना, इसलिए कितना आ जाएगा 0 0 2 3, और वैसे भी देखो 50 आ रहा है तो ये 3200 के आसपास हो गया, ना कि 31। एफ 5482, इसमें क्या करेंगे, अब देखो टेंस प्लेस चेक करो, ये वाला वंस टेंस, टेंथ प्लेस में 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, टेंस और वंस प्लेस को 0 0 करेंगे, 5400, और इसमें 100 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 से बड़ा है ये, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5500 आंसर, आपका जाएगा 5500। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थर्ड 1.3 का थर्ड फोर्थ हम कल करेंगे, आज इतना ही समझ लो।